वेलकम स्टूडेंट्स, आप पर है कॉन्टैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या सब दिया हुआ है इसमें। 19 कहता है कि इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड की पुस्तकों में एक ठेका खाता निम्न प्रदर्शित करता है। ये दिया हुआ है स्थल को निर्गमित सामग्री प्लांट निर्गमित किया गया है और फिर प्रत्यक्ष व्यय है और प्रत्यक्ष व्यय है, ऊपरी व्यय है। आपको सूचित किया जाता है कि प्रगति अधीन ठेकों पर फर्म आर्किटेक्टर्स का प्रमाणित कार्य को ध्यान में रखते हुए अर्जित लाभ के दो तीन भाग को परंपरा अनुसार मान्यता देती है। आपको निम्नलिखित तैयार करने हैं। पहला है ठेका खाता तैयार करना है, दूसरा है लाभांश खाते को ट्रांसफर योग्य राशि का निर्धारण करना है, तीसरा है चिट्ठी से संबंधित प्रविष्टियाँ का निरूपण। इस उद्देश्य के लिए उस तिथि को निम्न सूचनाएँ प्रेषित है। आगे है प्रमाणित का वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ वर्क कैरिड आउट बट नॉट सर्टिफाइड। आगे लिखा है स्टॉक ऑफ मटेरियल नॉट यूज्ड। प्लांट का ह्रासित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आइए देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें तैयार करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो भी मटेरियल हम साइट पर ले जाते हैं ना, उसको हम DR से लिखते हैं, टू मटेरियल इशू। पाँच हजार प्लांट इशू दिया हुआ है, 12,500 डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, 4,000 इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, 1950 बाय वर्क सर्टिफाइड दिया है क्वेश्चन में, दस हजार वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, 3800 स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, 950 प्लांट एट साइट भी दिया हुआ है, प्लांट एट 11,875 और तो कुछ है नहीं। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा प्रॉफिट बैलेंस। ये जोड़ने से होता है 26,625। जोड़ के इसमें घटा देंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बैलेंस CD। घटाने से होता है 2535। इसको यहाँ लाएंगे हम बाय प्रॉफिट बैलेंस BD 2535। अब करना क्या है, जो फार्मूला है उसके हिसाब से इसको हम गुना भाग कर लेंगे, ठीक है ना। जो 2/3 होता है फॉर्मूला, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। नवा करने से जो आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये होता है 1690, और जो बच गया वो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 835, ठीक है। बस 2535। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, प्रोग्रेस अकाउंट इसमें क्या सब होता है पता होगा आप लोगों को। जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, यहाँ देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के CR साइड में लिखा हुआ है ना, ये सब आ जाता है DR में इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 10,000, वर्क अनसर्टिफाइड 3800, स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, स्टॉक ऑफ मटेरियल 950, प्लांट एट साइट,
11,875, और जितना यहाँ पे लिखते हैं बाय, जो आपका प्रॉफिट आया है यहाँ से वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको हम क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे, इसको बोलते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितना 835 जोड़ के 26,625, 26,625 घटा के जो आएगा वो कहलाएगा बैलेंस सीडी, कितना, तो 25,790। लास्ट में बोल रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो छोटा सा मैं जगह में बना देता हूँ, इसमें कुछ बैलेंस शीट में शो करना होता है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है ना, इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ये हो गया 25,790, 25,790 माइनस कर देंगे कैश कितना आपको रिसीव हुआ है, रिसीव कितना हुआ है 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो माइनस करके जो आएगा वो अमाउंट बाहर जाएगा 15,790। इसका बैलेंस शीट इक्वल नहीं होता है क्योंकि इनकम्प्लीट जो आंकड़े होते हैं यहाँ पे सिर्फ शो करना होता है कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस लेस करते हैं कैसे रिसीव जो बच गया वो यहाँ आएगा। हाँ, आपको एक जगह प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये हमने कहाँ से लाया 1690, यदि आपको इसमें दिक्कत है ना तो आप एक काम कीजिए, जो आपका प्रॉफिट बैलेंस है 2535, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बैलेंस 2535 गुना 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, 10,000 कैश रिसीव है बट वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, संयोग से ये भी 10,000 ही है, अब गुना भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1690, ठीक है ना, 1690 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आगे आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर यदि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपका पूरा का पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।